नमस्कार, प्रस्तुत है मेरा नया टीएलएम जो कि मैंने बच्चों को संख्याओं से संबंधित कुछ संक्रियाओं को सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। ये टीएलएम देखने में जितना आकर्षक है, आशा करती हूँ बच्चों के लिए उतना उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर मैंने मुख्य रूप से अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याओं को सिखाने के उद्देश्य से ये टीएलएम बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को संख्याओं का ज्ञान करना सिखा सकते हैं, छोटी बड़ी संख्या पहचानना सिखा सकते हैं, पहले बाद में आगे पीछे की संख्याएं निकालना भी सिखा सकते हैं। और ये टीएलएम पूरी तरह से शून्य निवेश से बना है। इस टीएलएम को बनाने के लिए मैंने माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया है, जिसे मुझे कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। क्योंकि माचिस की डिब्बियाँ पुरानी थीं, इसलिए थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए मैंने इन डिब्बियों के ऊपर रंगीन कागज जो होता है उसको मैंने पेस्ट किया है। अब इसमें जो डिब्बी का कवर होता है उसके ऊपर मैंने एक संख्या लिखी है, और इसके अंदर का जो डिब्बी होती है उसके आगे तथा पीछे हिस्से पर मैंने अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या लिखी है, अर्थात बीच में जो संख्या लिखी है उसके आगे पीछे की संख्याएं उसके अंदर वाली डिब्बी पर मैंने लिख रखी है, जिसे हम उंगली से आगे पीछे कर सकते हैं और संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इस टीएलएम को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है माचिस की डिब्बियाँ, जिन्हें आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उन्हें फेंकने की बजाय आप उनको कलेक्ट करते रहिए। एक पुरानी दफ्ती जिस पर मैंने इसको बनाया है, क्योंकि दफ्ती पर बने टीएलएम मजबूत होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। एक मुझे वाइट चार्ट चाहिए होगा और कुछ रंगीन कागज चाहिए होंगे, चिपकाने के लिए फेविकोल और कैंची, और साथ ही साथ लिखने के लिए मुझे रंगीन मार्कर की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं की सहायता से आइए हम बनाते हैं ये टीएलएम। सबसे पहले जो माचिस में ऊपर का कवर है उसके ऊपर मैं एक कलर का कागज चिपकाऊंगी, और उसका कंट्रास्ट जो कलर मैंने लिया है वो उसके अंदर की डिब्बी पर चिपका दूंगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं जो भी माचिस का आकार है उसके माप की छोटी छोटी से कागज के टुकड़े मैंने यहाँ पर काट लिए हैं बहुत सारे। अब सबसे पहले मैं जो अंदर की डिब्बियाँ हैं उन पे अलग अलग कलर के कागज चिपका दूंगी, क्योंकि दो ही कलर मैंने लिए हैं यहाँ पर, येलो और डार्क पिंक कलर। और कोशिश करिएगा अगर जो आपकी माचिस की डिब्बी के ऊपर लाइट कलर है तो उसके अंदर डार्क कलर रखिएगा, क्योंकि देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगेगा। इस तरह से मैंने जितने भी अंदर के डिब्बे थे, अंदर जो माचिस के डिब्बे के अंदर डिब्बा होता है तो स्लाइड करते हैं हम आगे पीछे, उसको हम इस रंगीन कागजों से कवर करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इन डिब्बियों को कलरफुल कागज से कवर कर लिया है। थोड़ा ही कागज लगाइए, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये डिब्बी के ऊपर का कवर है इसके ऊपर के हिस्से पर भी हम कलरफुल कागज लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे, कलरफुल कागज इसके ऊपर। इस तरीके से हम किसी पर येलो पेस्ट करेंगे, किसी पर पिंक। याद रखिएगा जितने आपने अंदर की डिब्बी पर करे हैं उसी का कंट्रास्ट कलर लेकर ऊपर के कवर पे आप कागज चिपकाइएगा, तो देखने में भी थोड़ा सा आकर्षक लगेगा, और जो अंदर का नंबर होगा, गिनती होगी, वो थोड़ा सा उभर कर सामने आएगी। जैसे कि यदि ऊपर पीला है तो उसके अंदर डार्क पिंक कलर लगाइएगा। और इस तरह से देखिए मेरी सारी डिब्बियां जो हैं उसके अंदर और बाहर दोनों हिस्सों को मैंने कलरफुल कागज से कवर कर लिया है। यह आसानी से इसके अंदर स्लाइड करेगी। देखिए इस तरीके से आगे पीछे हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये दफ्ती थी जिसके ऊपर मैंने वाइट चार्ट पहले से पेस्ट कर रखा है उसके ऊपर एक क्रम से हम इन डिब्बियों को चिपका देंगे। सबसे पहले बिना चिपकाए हुए आप इनको सेट कर लीजिएगा किस जगह पर आपको कौन सी डिब्बी चिपकानी है,
और ये करने के बाद आप एक एक करके इन सारी डिब्बियों को इस तख्ती के ऊपर चिपका दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी डिब्बियों को मैंने इस दफ्ती के ऊपर चिपका दिया है। अब बारी है इनके ऊपर नंबर्स को लिखने की। एक एक करके हम इन डिब्बियों पर सबसे पहले ऊपर की जो डिब्बी है उसके ऊपर नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम अंदर की डिब्बियों पर नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। तैयार हो गया है। इस तरह से आप स्लाइड करके देखिए अंदर की जो डिब्बी है वो आगे पीछे आसानी से सरक रही है। अब मैं क्रेयॉन की सहायता से इस चेलम को थोड़ा सा कलरफुल बना लूंगी, देखने में थोड़ा सा और ज्यादा ये सुंदर लगने लगे तो इसको मैं क्रेयॉन से कलर कर दूंगी थोड़ा सा। और देख सकते हैं आप इस तरीके से कितना आकर्षक लग रहा है और इसको और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर हिस्से पर एक रैबिट का फेस बनाकर पेस्ट कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक चार्ट पर रैबिट का फेस ड्रॉ कर लेंगे और उसको एक दफ्ती पर चिपका कर उसे हम काट लेंगे और उसको थोड़ा सा कलर कर लेंगे। और इस फेस को हम कलर करके इस चेलम के ऊपर वाले हिस्से पर पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये चेलम बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी माचिस की डिब्बियों को फेंकिए मत, उन्हें कलेक्ट करिए और इस तरह के कुछ आकर्षक और उपयोगी चेलम बनाइए अपने बच्चों के लिए। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये चेलम भी बच्चों के लिए उपयोगी होगा और आगे फिर मिलेंगे एक नए चेलम के साथ। थैंक यू।